इस वेले दी अहम खबर पंजाब दे वड्डे वड्डे शहरां च लगे कूड़े दे ढेर तां तुसीं अक्सर ही वेखते होंगे परंतु मानसा दे शहर भिखी च भिखी बुढलाडा रोड ते लगे कूड़े दे वड्डे वड्डे ढेरां तों शहर वासियां नूं निजात दिवाउण लई कार साधक अफसर रवि कुमार किसे मसीहे तों घट नहीं नगर पंचायत वल्लों लोकां नूं वधिया सहूलतां देण लई समें समें ते उपराले तां जरूर कीते जांदे ने परंतु कार साधक अफसर रवि कुमार अते उनां दे स्टाफ दीआं लगातार कोशिशां दे सदका इस कूड़े दे डंप नूं पार्क दे विच तैयार करन दा काम शायद ही किसे ने कीता होवे। उन्होंने भी कहा कि शहर विच चल रहे विकास कार्यों च भी तेजी लियांदी जाएगी, बहुत जल्द शहर वासियां नूं नवीं सड़कां स्ट्रीट लाइटां ते तीसरी अख यानी कि कैमरियां दी निगरानी हेठ रखन दी ओह यतनशील हन तां जो शहर च कोई भी अनसुखामी घटना ना होवे। मैं रवि कुमार कार सेवा अफसर नगर पंचायत भिखी, मैं शहर वासियां नूं ध्यान च लियाना चाहुंदा कि नगर पंचायत 1993 च बनी सी ते इत्थे लगभग 27 साल पुराना डंप सी जिथे घट्टो घट्ट लगभग 12-12 फुट उच्चे कूड़े के ढेर लगे सी। एक कूड़े के ढेर 10-8 मरलों के लगे से जो कि साडा भलाडा रोड पर स्थित है डंप। इतने मतलब कोई भी लवो लंघना बहुत मुश्किल से, ईवन नाले खेतों में उत्ते लफाफे उठ के उन्होंने खेतों बग जाते। इस तो अलावा उत्थे मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदे पशु तो होर सारा कुछ पहुँच जाता है जिस नाल कि लोगों का जीना दुब्बर हो गया से बीमारियों का यह एक घर बन चुका है। स्वच्छ भारत मुहिम तहत मानजो कैप्टन सिंह की रहनुमाई हेठा सानू इस वेली इस संबंधी स्वच्छ भारत तहत फंडल मुहैया करवाए गए जिसनों असी मद्देनजर रखते हुए इस डंप का सारा कूड़ा बायोमीट्रिक मशीन राही छाण के उन्होंने अलग करते लफाफे के ढेर असं अलग करके उन्होंने बंडल बना के मिलिंग मशीन द्वारा बठिंडे भेज दिए गए ते जो रेह सी उहदे असीं तैयार करके गट्टे बना के शहर वासियों नूं जिथे भी लोड़ सी असीं उत्थे ईवन इत्थों तक कि असीं उत्थे सेल भी की जिसनों नगर पंचायत वल्लों कुछ फंड भी प्राप्त होए। उत्थे हुण असीं एक पार्क का रूप दे रहे हैं, उत्थे हुण असीं 20-27 पिटा बना के 2 शैड बना के सारी मशीनरी साडी हुण उत्थे खड़ी हुंदी है। ते इस तों इलावा कमेटी की आमदन नूं ध्यान च रखदे होए मेन रोड ते होण कारण दो पासे लगभग 100 दे करीब असीं दुकाना कटांगे जिस तो कमेटी नूं लगभग 2 करोड़ रुपये आमदन ते 10 लाख रुपया साल एनुअल रेंट आएगा। इस नाल जिथे शहर का विकास होगा उत्थे शहर की सुंदरता ध्यान च रखते हुए असी इस दे उपर शहर वासियों लई हुण पार्क बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चे बुढ़े ते जवान सवेरे शाम उत्थे आ के सैर करन तां पता लगे भी जिथे कूड़ा सी जिथों लंघना औखा सी उस नूं खत्म करके सरकार दे सहयोग नाल लोकां दे सहयोग नाल असी जिथे दुकानां भी बनातियां आमदन का सोर्स भी कर लिया पार्क भी बनाता ते हुण इह कूड़ा जो भी शहर वासी रहते उस नूं असी सैग्रीगेशन करके गिल्ला सुक्का अलग करके ई वेस्ट राही प्लास्टिक राही ताकि लोगों की सेहत को ध्यान च रखते हुए इस अलग अलग करके असं खत्म कर दें। जो भी कूड़ा इकट्ठा होंगे प्लास्टिक असी बेलनी मशीन राही बंडे बना के असं उत्थे भेज दें बठिंडे भेज दें। इस असं मद्देनजर रखते हुए हुण शहर में सारिया लाइटा सफाई का मुकम्मल प्रबंध कर दिया गया। आने वाले समय में दिवाली के मौके को ध्यान में रखते हुए डेंगू मलेरिया लई असी 24 घंटे फोगिंग ते इस तो अलावा असी सैनिटाइज का काम शुरू किया होया है ताकि शहर वासियों को किसी किस्म की दिक्कत ना आए। हुण साडी कमेटी वालों उपराला किया जा रहा है असी 14 लाख के टेंडर फ्लोट करके सारे शहर में कैमरे की व्यवस्था कर जा रहे हैं जिस नाल कि चोरियां ते गुनाहगारों नूं मौके ते ही फड़ा जा सके। इसका असीं पुलिस नाल भी सहयोग करांगे, उन्होंने LCD देवांगे ताकि जदों भी जाऊँ तां कैमरे ऑन करके असीं 24 घंटे उत्थे देख सकीए। ये सारा काम मेरे नगर कौंसल दे मुलाजम तलदीप ऋषि हैप्पी साडे जेई राज कुमार ते होर पब्लिक दे सहयोग नाल असीं तैयार कीता। हुण भी डंप दा काम चल रहा है, इस दीआं तस्वीरां जे तुहानूं दोनों नूं दिखाईआं तां तुहानूं पता लग जाऊगा कि किन्ना ज़्यादा उत्थे कूड़ा सी ते किवें उहनूं खत्म करके असीं हुण इक पार्क दा रूप दे दित्ता है। ये सारे उपराले जे सारे शहरां विच कीते जाण इस नाल जिथे लोकां नूं गंदे वातावरण तों राहत मिलेगी उत्थे ही स्वच्छ भारत दी मुहिम नूं असीं सारे हिंदुस्तान च पंजाब नूं अगे लैके आवांगे। इन्ना ही मैं कहिंदा होया सारे लोकां नूं इह चाहुणा कि साडा सहयोग देण, बाहर कूड़ा ना सिटन। साढ़े समय समय से रेहड़ियाँ आदि हैं, साढ़े उत्थे सैग्रीगेशन होंगी है, डोर टू डोर असी कलैक्शन करते हैं,
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੋ ਡਸਟਬਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਡਸਟਬਿਨ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ 'ਚ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸਦਾ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਅਸੀਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ PCCC ਦੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਿੱਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ NC7 ਨਿਊਜ਼।